Hello students, welcome to tutoringcluster.com. So in this video we are going to cover the very basic part, that is what is thermodynamics, what is system, surrounding, boundary and universe, then types of system and properties of system. So basically one should know all this topic before studying the laws of thermodynamics. Okay, main topic आपका क्या है? Laws of thermodynamics. So वो study करने के लिए आपको कुछ thermal engineering related कुछ terminology से वो समझना काफी जरूरी है. बात करेंगे thermodynamics की. So thermodynamics you can split in two words, that is thermo and dynamics. What is thermo basically? Thermo means it is related to temperatures. Okay. एंड डायनामिक्स, देखिए कोई भी पर्सन अगर डायनामिक होता है, यानी कि उसमें हम कहते हैं कि ही इज़ हैविंग और शी इज़ हैविंग मच पावर और एनर्जी जाता है, एनर्जेटिक होता है. सो बेसिकली डायनामिक्स इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी. सो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ाई करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? बेसिकली वी स्टडी वेदर देर इज़ एनी चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, कि कोई भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है क्या सिस्टम की ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज और ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीज, या फिर जो भी एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम में. ओके, सो बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी द बेसिक एनर्जी इंटरेक्शन हैपनिंग ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज. जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके वजह से जो एनर्जी इंटरेक्शन होने वाला है या फिर जो भी चेंजेस होने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं. सो इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? सो थर्मोडायनेमिक्स कह लीजिए या फिर थर्मल इंजीनियरिंग कह लीजिए, राइट? तो पावर जनरेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हम जो कोल है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट? सो कोल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी. सो there is what energy interaction or energy transfer is there, energy transformation is there, right? So that is about power generation. Then engine is one of the application which is most important, right? All automobiles, they do have engines. Then refrigeration या फिर air conditioning कह लीजिए, right? And also we study relationship among properties of matter. Now what is system and surrounding basically? Okay, लेट्स से यू आर हैविंग, जो भी आप रूम में अभी बैठ रहे हो, राइट? जो भी आप रूम में बैठे हुए हो, लेट्स से ड्यू टू अभी क्या है, समर आ रहा है, राइट? तो आपको लेट्स से आपको एयर कंडीशनर बिठाना है, तो आप डेफिनेटली जब आप शॉप में जाओगे एयर कंडीशनर परचेस करने के लिए, आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस कैपेसिटी का एयर कंडीशनर चाहिए, राइट? सो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ एयर कंडीशनर, the very basic and important factor is what is the size of the room. Okay, अगर आपको यही air conditioner let's say seminar hall में बिठाना है या फिर कोई बड़े शादी के hall में बिठाना है, then the parameters to be considered are different, right? अगर आपको simply आपके घर के room में बिठाना है, parameters are different. So basically यहाँ पे room क्या है, इट इज अ स्पेस, राइट, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और विच इज अंडर स्टडी. तो हम रूम को कहेंगे सिस्टम, राइट? नाउ आउटसाइड द रूम देर इज सराउंडिंग, राइट? एंड राइट आउटसाइड द रूम देर इज सराउंडिंग, और जो आपके वॉल्स है या फिर विंडोज है, ओके, दिस इज वॉट वॉल ऑफ द रूम. So basically it is separating the system from the surrounding. Okay, so what is system basically? It is a quantity of matter or a region in a space chosen for study. Okay, for example room aapka kya ban jayega? System. Then outside the room of course there is a surrounding. What is boundary? सो बेसिकली इट इज़ अ रियर और इमेजिनरी सर्फेस. अभी आप रूम का जब एग्जाम्पल ले रहे हो तो वॉल इट इज़ अ रियल सर्फेस दैट सेपरेट्स योअर रूम योअर सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट? ओके, नाउ देर आर सर्टन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बाउंड्री के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल,
Second, it is shared by both system and surrounding. Then there is no thickness, जो आपको ध्यान में रखना है, there is no thickness and no mass or volume. So boundary जब हम consider करते हैं, you have to consider these points. So basically, in real world, okay, boundary को कुछ ना कुछ thickness होने वाली है, right? This is an ideal case कि there is no thickness, no mass or volume, right? Okay. Now, what is the closed system? What are types of system basically? Okay. Now, let's say you are having a cylinder. This is a cylinder and this is the piston. And let's say you are having a gas inside it. Okay. Now, if there is no mass transfer, but only there is energy transfer. That means closed system are the systems in which there is only energy interaction but no mass transfer. Okay, the very best example is sun. Okay, consider a sun. There is energy interaction but there is no mass transfer. So sun is an example for closed system. Now second type is isolated system. What is isolated system? Basically these are the systems in which there is no mass transfer and no energy transfer. Okay, that means mass and energy of the system, it remains constant. Okay, the very good example of isolated system is, let's say you are having a hot coffee in a thermoflask. So thermos or thermoflask, a well insulated thermoflask, it is a very good example of isolated system. Okay, thermoflask mein obviously जो आपकी टी है या फिर कॉफ़ी है वो एज इट इज़ रहती है. क्यों रहती है? बिकॉज देर इज़ नो मास एंड नो एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा. आउटसाइड टू दिस इज योर सराउंडिंग एंड दिस इज योर बाउंड्री, राइट? ओके, सो देर इज़ नो मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. नाउ व्हाट इज द ओपन सिस्टम? So these are the systems in which there is energy transfer as well as mass transfer. For example, water heater or car radiator, turbine, compressor, right? Or simple example, let's say you are having a pipeline and water is flowing through it. Okay, water has the energy and of course there is a quantity of water, so it has a mass. So very good example is water flowing in a pipeline या फिर आप स्टीम फ्लोइंग इन अ टर्बाइन कंसिडर कर सकते हो. देखो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर भी होना चाहिए और एनर्जी ट्रांसफर भी होनी चाहिए. अगर हो रही है इट इज़ अ ओपन सिस्टम. सो आई होप द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर क्लियर टू एवरीवन. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम? So any characteristic of a system, it is known as property. For example, temperature. Okay, temperature क्या है, characteristic है system की. या फिर volume, कि ये जो system है इसका volume let's say 1 liter है या 1 meter cube है, 10 meter cube है, right? Pressure, right? Let's say 2 bar, 3 bar. Okay, so any characteristic of a system, इट इज़ नोन एज प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ओके, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, राइट? इट शोज समथिंग अबाउट, इट टेल्स यू समथिंग अबाउट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी. सो देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. नाउ योर प्रॉपर्टीज, इट कैन बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नो, आई इज़ फॉर इंडिपेंडेंट. ओके, कैसे ध्यान में रखना है आपको? इंटेंसिव, इंटेंसिव मीन्स आई, आई इज़ वॉट इंडिपेंडेंट. सो इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ सिस्टम. इफ प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी और एलिवेशन, दिस आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास. ओके, एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ अ सिस्टम, एलिवेशन यानी हाइट, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मास. Then, what are extensive system? These are the properties. Okay,
which are dependent on mass of the system. What do you mean by expansive property? The properties which are dependent on mass of system. For example, pressure. Okay, density. Density is what? Mass upon volume. So mass, it is coming into picture. Okay, so remember what are intensive properties and what are expansive properties. Now, one more thing, specific specific extensive properties per unit mass. So basically this is what specific properties. Okay, basically these are what? These are your intensive properties. Okay, specific extensive properties per unit mass. For example, specific volume, volume divided by mass. Okay, volume divided mass, divided by mass, definitely it will be independent on the mass of system. So it is considered as intensive. Specific enthalpy, capital H divided by M. So remember, specific extensive properties are what? Intensive. Okay, specific means per unit mass, right? Okay. So hope you have understood what is thermodynamics, what are system, surrounding and a boundary, what are the types of system, and what do you mean by a properties of a system. So thank you for watching this video. You can like and subscribe our YouTube channel, and please don't forget to like us on Facebook, and you can also join the Telegram channel. All the links you will find in the description box. Thank you.